हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नया लेक्चर लेकर आ रहे हैं। इस लेक्चर पे हम लोग डिटरमिनेंट का नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। पिछले लेक्चर पे जैसे किए थे डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन किए थे और उसके साथ में 4.1 एक्सरसाइज भी किए थे, क्योंकि बहुत सिंपल था इसलिए साथ में किए। तो उसी प्रकार चलिए इसमें भी करते हैं। तो आज का हेडिंग लगा लीजिए, डिटरमिनेंट का ही है हमारा एक्सरसाइज 4.2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या देखिए फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो अलग अलग है लेकिन जो रूल्स है सब एक ही लगेगा। क्या है देखिए, इसमें जैसे हम लोग से कोई क्वेश्चन, देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अपने से लूँगा तो नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल से ही मैं एक लेता हूँ। ठीक है, एक अच्छा चलिए एक एग्जांपल से लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक मेरा है यहाँ पे एक्स ए और एक्स प्लस ए, ठीक है, वाई बी वाई प्लस बी। देखिए क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा मेरा लेक्चर देखिए आप लोग, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैथ्स में पूरा मत देखिए लेकिन हाँ केमिस्ट्री में पूरा देखना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो नहीं है कि पहला आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा, वैसा नहीं है। तो मैं मैथ्स में हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स कि इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से समझ लें तो पूरा चैप्टर अपने से बन जाएगा, चैप्टर मतलब जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, क्या आएगा इसमें से आपको पूछेगा कि दिस इक्वल टू प्रूफ कीजिए ये जीरो के इक्वल है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा ये जीरो कैसे होगा, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जीरो लाने का एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नहीं मतलब जो नियम दिया उसको मैं फॉर्मूला नाम दे रहा हूँ। तो क्या है फ्रेंड्स, एफ लिख लीजिए, एफ मतलब फॉर्मूला। तो देखिए, या तो दो रो मेरा इक्वल आ जाए या फिर मेरा दो कॉलम मेरा इक्वल आ जाए। मतलब इक्वल का मतलब जैसे कि अगर मेरा यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। अगर यहाँ x है मतलब ये पहला रो हो गया, और ये नहीं कि सिर्फ पहला और दूसरा ही बराबर आए, सो पहला तीसरा है या फिर दूसरा तीसरा है, कुछ भी आए चलेगा। उसी प्रकार से ये कॉलम बराबर आए या फिर ये कॉलम बराबर आए, कोई भी बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, मेरा उसका वैल्यू जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। और दूसरी बात कि अगर मेरा कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम का, एक रो और एक कॉलम फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। ये मतलब सिर्फ ये नहीं, ये तीनों पूरा, ठीक है, एक रो या फिर एक कॉलम अगर मेरा पूरा जीरो आ जाए, इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये पूरा जीरो आ जाए, मतलब देखिए जीरो जीरो जीरो, या तो ये आ जाए या फिर मेरा ये आ जाए जीरो जीरो जीरो। फर्स्ट ही आना कोई जरूरी नहीं, मतलब पहला रो या फिर पहला कॉलम का जीरो आना जरूरी नहीं है, मेरा तीसरा भी जीरो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, या फिर दूसरा भी जीरो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो मतलब मेरा कोई भी एक जीरो आना चाहिए, क्या या तो रो या तो कॉलम, तो उसका पूरा का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा फ्रेंड। तो एक बार अच्छे से देखें, या तो दो रो इक्वल आ जाए तो मेरा जीरो आ जाएगा उसका आंसर, या तो दो कॉलम का आ जाए तो उसका जीरो हो जाएगा आंसर, या तो एक रो का आ जाए तो वो जीरो हो जाएगा, या तो एक कॉलम का वैल्यू जीरो आ जाए पूरा तो वो जीरो हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया फिर। तो देखते हैं यही क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ। तो यही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो अभी लिखे हैं कि इसका वैल्यू जीरो कैसे आए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैट्रिसेस में करते थे क्या कि रो वन अप्रोचेज रो वन प्लस रो टू, इसी तरह कुछ ना कुछ करके हमको लाना है इसमें। ठीक है, तो सिर्फ रोवन को करना नहीं, मतलब जो इससे कर सकते उससे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे एक ही नज़र में दिख रहा है कि हम क्या कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को भी दिख रहा होगा कि हम इक्वल कैसे ला सके दो रो या फिर दो कॉलम को। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर रो में हम लोग करते हैं तो फ्रेंड्स नहीं आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा, देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो एक्स प्लस वाई आ जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स इसके बराबर नहीं है, और इसको जोड़ दें तो x प्लस जेड आ जाता है, तो भी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए कॉलम वन में कॉलम वन प्लस कॉलम टू करेंगे। हम मैट्रिसेस में भी बताए थे फ्रेंड्स कि जिसको हम लोग मतलब जिसमें चेंज करते हैं हम लोग उसको पहले लिखते हैं, देखिए फर्स्ट है और यहाँ पे भी पहले, और जिसको चेंज नहीं करते उसको बाद में लिखते हैं। तो देखिए, इस सी मतलब होता है कॉलम, है ना, जैसे आर मतलब रो था उसी तरह सी मतलब कॉलम।
तो देखिए हम लोग कॉलम वन में चेंज कर रहे हैं, मतलब कॉलम वन और कॉलम टू को ऐड कर रहे हैं। तो इसको और इसको ऐड कीजिए, तो एक्स प्लस ए, फिर इसको इसको ऐड कीजिए, पहले कॉलम वन को कंप्लीट करते हैं फिर कॉलम टू लिखते हैं। इसको इसको ऐड कीजिए तो वाई प्लस बी, फिर इसको इसको ऐड कीजिए तो जेड प्लस सी, यही होगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को दिखने लगा होगा क्या कि देखिए यही चीज़ है मेरा यहाँ कॉलम थ्री में, तो इसका मतलब आंसर जीरो आ रहा है। देखिए ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो है बहुत ईजी चैप्टर है और सीबीएसई का बहुत फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर का आता है ये, एक एक क्वेश्चन चार नंबर और छः नंबर का आता है फ्रेंड्स। अगर सोचिए कि एक क्वेश्चन अगर सही चला गया मेरा तो चार और छः फिक्स है, ठीक है। तो मैं अभी क्या बोला था फ्रेंड्स, अगर दो रो या फिर दो कॉलम बराबर आ जाए तो मेरा आंसर जीरो हो गया। तो देखिए दो कॉलम बराबर आ गया, एकदम सेम आ गया, देखिए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी जेड प्लस सी, तो इसका मतलब सिंस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो मेरा आंसर प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं चैप्टर शुरू करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन तो बन गया हम लोग से ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग अपने से दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए शुरू शुरू में, क्योंकि फ्रेंड्स अगर देख देख के बनाने का आदत हो जाएगा फ्रेंड्स तो आप लोग बाद में फिर अपने से प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, बुक नहीं होगा तो यहाँ से देख के लिख लें, और बुक होगा तो वो वीडियो को पॉज करें और लिखने अपने से बनाने का प्रयास करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड उस वही चीज़ बोल रहा है कि दिस इक्वल टू को जीरो प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, या तो दो कॉलम या तो दो रो इक्वल लाएंगे, या तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम पूरा जीरो लेके आना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं अच्छे से। हाँ, इसमें दोनों से सॉल्व होगा फ्रेंड्स, या तो कॉलम से सॉल्व होगा या तो रो से सॉल्व होगा, दोनों से सॉल्व होगा। देखिए जैसे कि मैं अभी रो से करता हूँ, क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि रो वन में, देखिए रो वन में रो टू और रो थ्री दोनों को ऐड करता हूँ क्या, देखिए अगर आता है तो ठीक है, मैं तो माइंड में सॉल्व किया था, आता है ठीक है, नहीं तो कॉलम से करूँगा, ठीक है। तो देखिए रो वन में हम लोग ऐड कर रहे हैं रो वन और रो थ्री को, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या आता है मेरा, देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको ऐड किए इसमें, अब इसको भी इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस सी माइनस ए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ दिख रहा है, देखिए क्या होगा, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, इसका मतलब मेरा पहला जो पूरा कॉलम है, सॉरी हम लोग रो सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला जो पूरा रो है वो जीरो आएगा मेरा। देखते हैं पूरा सॉल्व करते हैं, तो इसको इसको तीनों को फिर ऐड करते हैं, तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है। इधर दिख रहा है फ्रेंड, नहीं दिख रहा है तो मैं छोटा में लिखता हूँ, ठीक है, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स हमको इधर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही सब ना लिखना है हमको, चेंज तो इसमें कर रहे थे। तो अब देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, जाहिर सी बात है ये भी जीरो आएगा। देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसका मतलब मेरा जो पहला रो है वो पूरा जीरो आया। अब फ्रेंड्स उल्टा देखते हैं, हम लोग कॉलम सॉल्व करते हैं, जैसे कि बहुत कोई को लगता होगा कि अब कॉलम में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए यहीं पर कॉलम करते हैं। कॉलम में क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए हम लोग देखते हैं कॉलम में क्या कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग कॉलम वन को कॉलम टू में ऐड कर देंगे, मतलब इसको इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स, है ना, तो देखते हैं क्या होता है। यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हटाइए, रो से समझ में आ गया जीरो कैसे आया, अब कॉलम से देखते हैं। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यही चीज़ है, फिर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं बी माइनस सी सी माइनस ए, हम क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि कॉलम, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कॉलम वन को चेंज कर रहे हैं, कॉलम वन प्लस कॉलम टू कर रहे हैं, है ना। तो चलिए ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये चीज़ आया मेरा। अब देखिए फ्रेंड्स ये कैंसिल होगा, माइनस बी प्लस बी यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी, फिर ये कैंसिल हो के फिर माइनस ए आएगा, फिर ये कैंसिल हो के माइनस बी आएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए आप लोग, ये और ये पूरा सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है, ना ही ये इसके साथ सेम लग रहा है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि हम गलत बनाए, नहीं फ्रेंड्स। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, देख जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा, आप लोग को लग रहा हो माइनस कैसे कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमको लाना है बराबर। तो देखिए अगर इससे माइनस कॉमन लेंगे, या तो माइनस इसमें फिर से डाल दीजिए बाहर से, तो यहाँ माइनस डालेंगे यहाँ प्लस होगा,
फिर माइनस डालेंगे तो प्लस होगा, माइनस डालेंगे तो प्लस होगा। अब देखिए उल्टा कीजिए, सी माइनस ए, सी माइनस ए है, ए माइनस बी है, बी माइनस सी है। इसका मतलब हम रो और कॉलम से दोनों से प्रूफ कर दिए कि मेरा जो है ये जीरो आ रहा है। समझ में आया फ्रेंड्स, रो और कॉलम से कैसे प्रूफ करते हैं दोनों तरीके से। तो आप लोग इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, कुछ नहीं स्टेप है फ्रेंड्स। पहला स्टेप यही है कि जैसे रो से कर रहे हैं आर वन अप्रोचेस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो इसको पूरा लिखना है और फिर ये दोनों रो को लिखना है। मैं नहीं लिखा था ठीक है, क्योंकि सेम था। और उसके बाद दूसरा रो में क्या दिखाना है हमको कि पूरा ये जीरो जीरो हो गया। और तीसरा लास्ट में आंसर लिखना कि हेंस इट इज प्रूव्ड, बस खत्म बात ठीक है। और रो में कॉलम में भी उसी तरह करना, क्या करना है कि कॉलम वन अप्रोचेज कॉलम वन प्लस कॉलम टू, मतलब कॉलम वन और कॉलम टू को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो पहला स्टेप में जोड़ते हुए दिखाना है, अगर सीबीएसई का सॉल्व कर रहे हैं तो अपने से सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कीजिए क्योंकि हमको समझ में आया स्टेप क्या। लेकिन सीबीएसई में टीचर स्टेप मांगता है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे कि रो वन अप्रोचेज रो वन प्लस रो टू करेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके हटाएंगे। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, माइनस ऐड करेंगे उसमें, मतलब माइनस हम लोग बाहर से डालेंगे उसमें या फिर माइनस कॉमन लेंगे ठीक है। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, हेंस इट इज प्रूव, क्यों, क्योंकि अगर माइनस हम लोग डालते थे ये और ये बराबर आ जाता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन नंबर टू हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर दोनों लिख दिया हूं, क्योंकि ये तो शॉर्ट में बन रहा है इसलिए लिख दिया दोनों, क्योंकि दोनों बना दूंगा एक ही बार। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या कर सकते हैं कि या तो दो रो बराबर आ जाए या फिर दो कॉलम बराबर आ जाए या फिर एक रो या फिर एक कॉलम पूरा जीरो आ जाए। एक सेकेंड क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ मैं क्या है। ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं। देखिए हाँ हम लोग यहाँ से नाइन का टेबल से कीजिए, तो नाइन का टेबल में कितने बार आता है, हम लोग कर सकते हैं नाइन का टेबल से इसमें कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों, देखिए नौ सत्य मेरा क्या होता है 63, तो मेरा कैरी फॉरवर्ड कितना बचा है 2, तो हम लोग नाइन का टेबल में कॉमन लेते हैं ठीक है। तो देखिए 2, 3, 5, देखिए फ्रेंड्स इसमें हम लोग सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो उसको ये और ये तो सेम रहेगा ठीक है। तो 63 तो कितने टाइम्स में आ रहा है फ्रेंड्स, 7 टाइम्स में। फिर 9 का टेबल कितने टाइम्स में पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि मेरा 75 के सामने आए, मतलब नज़दीक आए करीब आए, तो 9 ही 72 तो 8 ठीक है। मतलब हम लोग अंदर लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा ना फ्रेंड्स मेरा। और उसके बाद देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर 9 9 81 हाँ 81 के नज़दीक आ रहा है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं क्या, या तो देखिए फ्रेंड्स जितना हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं उतना को लिखते हैं यहाँ पे जैसे 9 7 63, या फिर जितना बच रहा है मतलब 65 - 63 जितना बच रहा है उसको भी लिखिएगा तो भी आंसर आएगा। देखिए 2, देखिए यहाँ 2 है, दोनों तरीके से बता रहे हैं। फिर इसको मिटाते हैं अभी ठीक है। और कितने बार में पढ़े थे, यहाँ पे कितना आया था 9 ही 72, तो 75 - 72 कितना आएगा 3, तो देखिए फ्रेंड्स 3 आया ठीक है। अब यहाँ कितना था 9 9 81, तो 86 - 81 कितना हो गया मेरा 5, तो देखिए फ्रेंड्स 5 आया। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से मेरा ये जो कॉलम 1 है और कॉलम 3 है बराबर आ गया, लेकिन इसके पहले क्या था मेरा कॉलम 2 और कॉलम 3 बराबर था। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कीजिएगा सही कंसेप्ट रहेगा क्या, कि या तो जितना में आ रहा है मेरा नज़दीक टेबल पढ़ने पे 72 आ रहा था, 72 में से 75 माइनस करेंगे उतना लिख दीजिए, या फिर जितने टाइम्स पढ़ रहे जैसे 9 कितना था यहाँ पे 65 ना, तो 9 7 63, तो 7 बार में आ रहा है तो यहाँ 7 लिखेंगे ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता लिखिए, यहाँ पे 2 आ गया तो प्रूफ हो गया फ्रेंड्स, कुछ नहीं था, हेंस इक्वल टू प्रूफ। कैसे प्रूफ हुआ फ्रेंड्स, आप लोग को अगर लिखना रहेगा एग्जाम में तो लिख देंगे हेंस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर इक्वल देन सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ठीक है। आप लोग अगर इस तरह लिखना है तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ नहीं है,
सारा मतलब अभी जो डिटरमिनेंट का 2-3 एक्सरसाइज मिलेगा आपको बहुत इजी मिलेगा। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट है थोड़ा, जैसे हम लोग मैट्रिसेस का लास्ट एक्सरसाइज देखे थे ना कि इनवर्स कैसे प्रूफ करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, तो उसी प्रकार का सिर्फ इसका भी एक ही एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सारा इजी है। आप लोगों को दिख रहा हो कुछ नहीं करना है, इसको भी वही चीज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमको डिफिकल्ट दिख रहा है जैसे ये हमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कॉलम थ्री, तो कॉलम थ्री को हम लोग पहले ओपन करते हैं। तो ओपन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इनटू कर देंगे सीधा सी बात। तो देखिए इनटू करते हैं क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी, यही चीज आएगा। उसके बाद फिर इसको इसको इनटू करते थे बी सी प्लस बी ए, फिर सी ए प्लस सी बी इक्वल टू जीरो, छोड़िए जीरो नहीं लेके चलते हैं ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखिए अच्छे से, अगर हम किसी एक को लेके आते हैं, अच्छा ठीक है एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या ये चीज कर सकते हैं, कॉलम थ्री अप्रोचेज कॉलम थ्री प्लस कॉलम टू, एक बार देखते हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे तो बी सी आएगा प्लस ए बी आएगा और प्लस ए सी आएगा। देखिए ए बी है यहाँ पे, बी सी भी जुड़ेगा तो आ जाएगा और ए सी, ए सी जुड़ेगा इसे आ जाएगा। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, कंसेप्ट सही है ये, तो यही कंसेप्ट लगाइए आप लोग, क्या इसको इसमें ऐड कर दिया तो बी सी सी ए ए बी, इसको इसमें ऐड करते हैं तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है फिर आ जाएगा मेरा बी सी प्लस बी ए, या फिर ए बी लिखते हैं क्योंकि ऊपर ए बी है, ठीक है प्लस ए सी, ए सी लिखे इसको सी ए को, क्यों क्योंकि यहाँ ए सी है, ठीक है। अब इंटू में जो रहेगा देखिए फ्रेंड्स, 5 × 2 करें या फिर 2 × 5 करें, बात तो वही चीज आएगा, तो इसीलिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा कोई, ठीक है। तो अब चलिए इसको इसमें ऐड करते हैं, तो ए बी प्लस ए सी चाहिए तो ए सी इसको कर देते हैं सी ए को, और हमको क्या चाहिए सी बी, बी सी चाहिए है ना, तो बी सी लिखते हैं इसको, है ना। तो अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ इधर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं अब सीधा आंसर आएगा, देखिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये तीनों कॉमन आ गया, मतलब ये रो वन में ये कॉलम और ये तीनों कॉमन है, तो तीनों कॉमन है तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो बाहर ले लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या फिर ए सी जो भी है, फिर 1 1 1 फिर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉमन फ्रॉम कॉलम वन, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह करके दिखेगा, क्योंकि टीचर लोग ना स्टेप खोजता है कि कहाँ पे नंबर काटे, ये सब लिखिएगा तो उसको नहीं काटने का मौका मिलेगा, क्यों क्योंकि उसको हम दिखा दिए कि हम कहाँ से कॉमन लिए हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 1 1, क्यों बचेगा क्योंकि सारा तो बाहर निकाल दिए, तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए फ्रेंड्स आंसर आ गया, देखिए तो कॉलम 1 और कॉलम 2 बराबर है, तो हम लोग फिर से वही चीज़ जो थ्योरी लिखे थे लिख देंगे, तो मैं उतना नहीं लिखता, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 है, तो हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड, मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो डिटर्मिनेंट है मेरा वो 0 के बराबर है। समझ में आया फ्रेंड्स, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, पूरा एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, 4th ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 5 में भी एकदम सेम है, तो फ्रेंड्स 5 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 to 5 एकदम सेम है, ठीक है। अब मैं 6 बताता हूँ, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पूरा मेरा सेम था, क्या था उसमें, सिर्फ दिस इक्वल टू मेरा 0 प्रूफ करना था, है ना फ्रेंड्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक मेरा अलग है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में क्या बोला था, बिना एक्सपेंड किए हमको प्रूफ करना है ये जो है 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे भी 0 है, लेकिन मुझे इसमें कोई कुछ नहीं बोला कि एक्सपेंड कीजिए या ना कीजिए, आपकी मर्जी, बिना एक्सपेंड करे भी बनाए, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब हमको डिटरमिनेंट का सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करना है कुछ भी, तो मेरा प्रॉपर्टीज ये भी है कि एक्सपेंड भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ये भी है कि नहीं भी एक्सपेंड करके 0 ला सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग किसी भी तरह करके लाते हैं, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो पहला का सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो पहला में क्या बोला, दिस इक्वल टू दिस लाना है, और दूसरा में दिस इक्वल टू दिस लाना है। चलिए फ्रेंड्स पहला इजी हम तरीका अपनाते हैं, क्या एक्सपेंड करने का, तो एक्सपेंड करने का तरीका क्या था, हम लोग जो लेते हैं उसको हम लोग ढक देते हैं, तो इसको लेंगे तो इसको इसको ढक देंगे, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स बाहर 0 होगा क्योंकि यहाँ पे है,
फिर अगर इसको इसको ढक रहे हैं तो क्या होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा, है ना, यही होगा। तो 0 × 0 और ये होगा, और फिर माइनस लगाएंगे तो मतलब -c × -c, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स मैं क्या बोला था कि ये ट्रेंड कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस यही चलता है। अब बीच में आए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -a, उसके बाद इसको ढकिए और फिर इसको ढकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको इसको ढके तो क्या हो गया फ्रेंड्स, ये और ये जाएगा और ये और ये जाएगा, है ना। तो देखिए ये और ये गया, है ना, तो मेरा ये और ये होगा और ये और ये होगा, है ना। तो -a × 0 और -b × -c यही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है, -b है बाहर में, है ना। तो इसको और इसको ढकते हैं तो कौन कौन आएगा, ये और ये आएगा और ये और ये आएगा, है ना। तो देखिए क्या कर सकते हैं, फिर -ac इसको इसको किया और इसको इसको करेंगे तो -b × 0। अब चलिए आंसर देखें, हमको लग रहा आ जाएगा अब आंसर मेरा 0 आ जाए, ये तो पूरा 0 होगा क्योंकि पहले ही बाहर में 0 है, तो इसको हटा देते हैं। और फ्रेंड्स दूसरी बात कि ये भी मेरा खत्म हो जाएगा, किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो ये देखिए ये 0 हो गया लेकिन मेरा a बच गया है और अंदर में b और c बचा है, तो -b × -c, ठीक है। और फिर -b इधर है और ये भी मेरा खत्म हो जाएगा ये टर्म, तो अंदर क्या बचा है मेरा ac - ac। तो अब देखिए ओपन करते हैं, तो ये और ये जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा ab c, ठीक है, ab और c, और ये जाएगा तो फिर प्लस ab c। लेकिन फ्रेंड्स कहीं गलती हुआ है तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक माइनस में आएगा तभी ना मेरा 0 आएगा फ्रेंड्स, मतलब या ये माइनस में आए या फिर ये माइनस में आए, दोनों में से एक माइनस में आएगा तो मेरा दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा आंसर। तो देखिए पहला स्टेप तो ठीक है फ्रेंड्स, उसको नहीं भी सॉल्व करेंगे चलेगा क्योंकि पहले ही 0 है मेरा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप देखते हैं, इसको और इसको हम लोग ढकते हैं तो क्या होगा, this × this, तो a × 0 और this × this, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब b × c होगा और माइनस लगता है यहाँ पे, माइनस दिए हुए हैं, ठीक है। और सॉरी फ्रेंड्स देखिए मिस्टेक यहीं पे हो गया मेरा, देखिए ये और ये होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, ये और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो माइनस है ही फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, है ना, तो इसका मतलब ये टर्म मेरा माइनस में ये प्लस में, तो आंसर मेरा 0 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आ गया मेरा आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ, नोट कर लिए फ्रेंड्स, अब रफ करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग करते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को किए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल करने का प्रयास करते हैं, कुछ थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि उस तरह कीजिएगा फ्रेंड्स तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिमाग लगता लास्ट में उसी तरह करते हैं हम लोग, है ना। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पहले उसी तरह से करके देखते हैं, ठीक है, जो मेरा प्रोसेस है शुरुआत का। तो इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं, तो ढकेंगे इसको, फिर ये और ये जाएगा और ये और ये जाएगा, है ना। तो -b और -c, तो +b² c² फिर इसको इसको करेंगे तो -bc, अच्छा ठीक है, ये क्या हो जाएगा c और c² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस बार बार लिख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको नहीं भूलना है, ठीक है, इसको भूल जाएगा तो आंसर गलत आएगा। अब देखिए इसको ढकते हैं और हम लोग इसको ढकते हैं, ना, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, उसके पहले हमको इसको लिखना जरूरी है, है ना। तो ab, फिर ये इसके साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ab c², तो यहाँ माइनस के टर्म में है, फिर ये इसके साथ जाएगा तो माइनस ab और c², तो -ab² है ना। तो देखिए फ्रेंड्स ये 2 times लिख सकते हैं इसको, एक बार फिर से देखते हैं, यही चीज़ ना आ रहा मेरा, इसको इसको ढकेंगे तो ये और ये जाएगा, तो ab और -c², ठीक है, इसको इसको करेंगे तो a और b और c और c² चलिए ठीक है ना। अब चलिए लास्ट देखते हैं ये थर्ड, तो ये सॉरी यहाँ तक है ना, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए ये प्लस ac करेंगे, प्लस ac, तो ये इसके साथ जाएगा, तो क्या होगा, b और b, b² पहले a लिखते हैं, a b² और c, फिर इसको इससे करते हैं तो ये माइनस में पहले से और फिर माइनस लगता है, तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट करते हैं हम लोग, तो ये क्या है a b² और c, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, ये तो पूरा ख़त्म हो गया मेरा ये टर्म, कैसे ख़त्म हुआ, देखिए ये प्लस में है c² b² और ये माइनस में है c² + b², तो अब हमको लग रहा है आंसर मेरा आ सकता है, मेरा सेकेंड स्टेप में ये आंसर आ सकता है, क्यों, क्योंकि अंदर वाला को जो ऐड कीजिए आप लोग, तो ab माइनस ए बी बाहर में
और अंदर में क्या आ जाएगा, माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी और सी का स्क्वायर, है ना। और फिर अब इसको हम लोग देखते हैं, तो प्लस अंदर वाला को ऐड कीजिए, बाहर को तो ए सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, अगर समझ में आ रहा है इस तरह। अब इसको इसको ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर सी, तो टू टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर सी। तो फ्रेंड्स अब देखिए, दोनों में टू टू है, दोनों में से टू टू को इंटू करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, फोर होगा। तो चलिए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए और ए जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ए स्क्वायर, फिर बी के साथ भी जाएगा तो बी स्क्वायर, और सी पहले से सी स्क्वायर होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, कि ये अंदर गया तो टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर तो पहले से, और सी स्क्वायर। फ्रेंड्स फिर से इसमें मिस्टेक हुआ मेरा, प्लस माइनस में, इसके पहले दोनों प्लस आ गया था जिसमें प्लस माइनस आना चाहिए था, इसमें दोनों में पहले प्लस आना चाहिए था, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए प्लस आएगा तभी मेरा फोर होगा, और फोर होगा तो आंसर ए बी सी, देखिए ए बी सी है ना। तो फ्रेंड्स कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, फिर से कैलकुलेशन नहीं, मेरा माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो पूरा कैंसिल ही हो रहा है मेरा, छोड़ देते हैं इसको, हम इसको देखते हैं ना। तो ए बी इसको और इसको रखते तो ये और ये जाएगा, तो ये तो माइनस के टर्म में ही आएगा, फिर इसको और इसको करते तो माइनस के टर्म में ही होगा। अच्छा फ्रेंड्स हाँ ठीक है, सॉरी गलती हुआ है मेरे ही से, देखिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्या, इसको माइनस को मैं भूल गया, देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल के प्लस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों को ऐड किया तो ये आ रहा है मेरा, तो फ्रेंड्स डायरेक्ट लिखते हैं अब यहाँ पे, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं है चैप्टर में, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको अच्छे से रखना है। देखिए कैलकुलेशन मेरा दो मिस्टेक हुआ है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा क्या अच्छा चीज़ है, यहाँ पे हमको दे चुका है प्रूफ कि हमको यही प्रूफ करना है, तो हमको पता चल गया कि आंसर गलत आ रहा है मेरा, ठीक है। तो हमको देख गया कि यहाँ पे माइनस था मेरा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स टोटल 14 क्वेश्चन है, तो मैं 7 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें 7 क्वेश्चन नेक्स्ट करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।